साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में राज्य सरकार ने ईडी को पत्र लिखा है। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के दावे को गलत बताया गया है। दावे को गलत बताने के लिए 1000 करोड़ के राजस्व के नुकसान के आधार पर तैयार किए गए आंकड़े। ईडी का दावा कि साहिबगंज में वैध खनन का 4 गुना इतना पत्थर ढोने के लिए जिले में परिवहन सुविधा नहीं है। राज्य सरकार ने ईडी को पत्र लिखा है। 1000 करोड़ अवैध खनन मामले को लेकर साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के दावे को गलत बताया है, जबकि 1000 करोड़ के राजस्व के नुकसान के आधार पर यह आंकड़े तैयार किए गए हैं। और इधर ईडी का दावा कि साहिबगंज में वैध खनन का 4 गुना इतना पत्थर ढोने के लिए जिले में परिवहन की सुविधा ही नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।